स्वागत है आप सभी लोगों का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लासेस में। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर 12 वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं इसमें आप लोग हिंदी अंग्रेजी दोनों में प्रयास करूंगा, जहां भी जो जिस हिसाब से मुझे सही लगे क्या है। तो वेक्टर दो चीज़ें होती इसमें, एक है वेक्टर और दूसरा है स्केलर है। वेक्टर है तो सदिश होता है, हिंदी बोलते हैं, और स्केलर नहीं होता है, ये जो होता है ये अदिश होता है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम स्केलर के बारे में। स्केलर क्या है, जिसको हम हिंदी बोलते हैं अदिश राशियाँ बोलती हैं। ये राशियाँ क्या होती हैं, अ क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ स्केलर। यानी हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो अदिश राशियाँ होती हैं, इनको शो करने के लिए, इनको दर्शाने के लिए हमको केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ये अदिश राशियां कहलाती हैं। इनके एग्जांपल जैसे दे सकते हैं, यहाँ पास हम एग्जांपल इसका है, जैसे लेंथ हो गया, लेंथ है जो लंबाई। दूसरा इसमें मास जो द्रव्यमान है, फिर है वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी आयतन, फिर है स्पीड, स्पीड यानी चाल, और फिर है टेम्परेचर। और टाइम, ये जो है ये स्केलर क्वांटिटी कहलाती है, यानी अदिश राशियां कहलाती हैं। दूसरा इसमें आता है वेक्टर, जिसके बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर यानी वेक्टर, जिसको हम सदिश राशियां बोलते हैं। तो सदिश राशियां होती हैं अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर। यानी ऐसी राशियां जिसको हम बताने के लिए हमको केवल दिशा के, हमको परिमाण के साथ साथ में दिशा की भी आवश्यकता होती है, यानी दिशा भी बताना पड़ता है, वो सदिश राशियां कहलाती हैं। इसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ, जैसे इसमें होता है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन है, फिर है वेलोसिटी है यानी वेग, फिर है एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन मतलब होता त्वरण, फिर है फोर्स है, फोर्स यानी होता है बल, फिर है मोमेंटम है, यानी संवेग है। ये सभी जो हैं सदिश राशियां कहलाती हैं, क्योंकि इनको हमको बताने के लिए हमको परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताना पड़ता है। फिर इसमें कलर टर्म आता है इसमें पोजीशन वेक्टर, क्योंकि हम इस चैप्टर में वेक्टर के बारे में ही पढ़ेंगे, तो इसमें होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जिसको हिंदी बोलते हैं स्थिति सदिश बोलते हैं, यानी यदि पी इस एनी पॉइंट ऑन स्पेस एंड ये जीरो इज ओरिजिन पॉइंट, ओ इज ओरिजिन पॉइंट, देन ओपी जो होगा, ओपी पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर होगा ये ऑफ पी का।
यदि इसको ऐसे बताएं, यदि हम इसको ये ओ है, इसका ये बिंदु पी है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा किस प्रकार से उसको हम शो करेंगे। यहाँ की अगली पॉइंट रहेगा रेखा, ये रेखाखंड ही रहेगा, रेखा नहीं रहेगी यहाँ पास, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, तो ये हो जाएगा इसका ओपी, इसका ये जो होगा ये पोजीशन वेक्टर होगा यहाँ पास। इसके बाद इसमें देखते हैं हम यूनिटी वेक्टर देखते हैं, यूनिटी वेक्टर जिसको हम इकाई सदिश बोलते हैं, ये क्या होता है, अ वेक्टर होस मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। यानी जो वेक्टर है जिसके यदि मैग्नीट्यूड यदि इकाई है, एक है, तो वो इकाई सदिश कहलाता है। इससे पहले इसमें देखते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स क्या है, ये टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। यानी दो या आप दो से अधिक जो सदिश हैं वो कोलिनियर कहलाते हैं, संरेखी कहलाते हैं, यदि वो एक ही लाइन के रिस्पेक्ट में वो पैरेलल हो यानी समांतर हो, वो कहलाता है कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर ये क्या होता है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट of a given vector जैसे ए बी बट डायरेक्शन इज अपोजिट to that of it is called negative of the given vector। यानी नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड सेम, जिसका परिमाण तो सेम है लेकिन उसकी दिशा होती है वो यदि विपरीत अपोजिट है तो वो नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। जैसे कि यदि हम इसको देख रहे हैं यहाँ पास, ये कोई ये भी एक वेक्टर है, तो ये इसका जो नेगेटिव वेक्टर होगा वो हो जाएगा बी, यानी इसका जो डायरेक्शन वो चेंज हो गया है यहाँ पास, यानी ए बी से बी ए हो गया है। फिर इसको हम इसका साइन भी अपोजिट लिखेंगे यहाँ पास, तो ये नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। अब इसमें एक रूल्स होता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स,
सपोज ये कोई ट्रायंगल है, ए बी सी, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये, तो इसमें जो होगा ये ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ये इसका एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहलाता है। यदि हम इसको सी बी लिखें तो ये इससे इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये इसका एक रूल्स है। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि हम एक्सरसाइज 12B से लिया हमने। इसमें 14 नंबर क्वेश्चन है, ये दिया हुआ इसमें, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बी सी जिनके पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश क्रमशः a माइनस टू बी वेक्टर प्लस थ्री सी, कहीं कहीं केवल इस टाइप की लाइन बस खींची है, ये कहीं कहीं एरो के निशान भी लगा देते हैं, तो इसका वेक्टर्स का ये संकेत होता है। और इसमें 2a प्लस 3b माइनस 4c माइनस 7b प्लस 10c है, संरेख है यानी कोलिनियर है। जहाँ a बी सी वेक्टर असमतलीय सदिश हैं, इसको हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये ए बी, ये ए है, ये बी ए सी है, तो ए बी निकालेंगे तो ए बी किसको क्या करना पड़ेगा, यानी बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, तो बी का स्थिति सदिश ये है, यहाँ लिखेंगे हम 2a प्लस 3b माइनस 4c और ए का स्थिति सदिश ये है, पोजिशन वेक्टर ये है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस ए माइनस 2b प्लस 3c। अभी जब इसके ब्रैकेट को ओपन करके करेंगे तो इसका जो साइन सब चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a प्लस 3b माइनस 4c, भी हो जाएगा माइनस ए माइनस माइनस प्लस 2b माइनस प्लस माइनस 3c, 2a से एक घटाएंगे तो ए आएगा यहाँ पास, 3b और 2b प्लस करेंगे तो ये 5b आएगा, 4c और 3c हो जाएगा 7c। अब यहाँ देखेंगे एंड bc ये हो जाएगा c का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर सी बार में देखिए यहाँ पास ही हो जाएगा माइनस 7b प्लस 10c माइनस बी का लिखेंगे यहाँ 2a प्लस 3b माइनस 4c, तो माइनस 7b प्लस 10c ये इसका चेंज हो जाएगा, तो माइनस 2a माइनस 3b माइनस माइनस प्लस 4c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसमें आएगी माइनस 7, तो माइनस 10 हो जाएगा, पहले माइनस 2 क्यों लिखते हैं हम, तो
ये माइनस टू ए माइनस टेन बी और यहाँ हो जाएगा 14 सी। अब यहाँ दो को कॉमन करेंगे और चिन्ह को भी कॉमन कर दें तो अपने पास यहाँ बचेगा ए प्लस 5b माइनस 7c, यानी ये कॉमन चीज़ में आ रही थी, लिख सकते हैं इसको हम माइनस 2ab। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसमें b अब कॉमन है, यानी bc इक्वल टू माइनस 2ab है, तो ये पॉइंट आपस में संरेख ही होंगे। यहाँ हो जाएगा इसलिए सदिश AB और BC समांतर हैं किंतु इनमें बिंदु बी उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, इसलिए सदिश AB और BC संरेख हैं। अतः बिंदु ABC संरेख यानी कोलिनियर हैं, अब हम इसमें देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, यानी किसी भी द्विभिमीय सदिश के दो परस्पर लंब दिशाओं में घटक, ये दो एक्सिस हैं इसमें एक्स वाई ओरिजिन पॉइंट, यहाँ कोई पॉइंट पी है, ये यहाँ पास इसका जो ये कोई यहाँ यूनिट वेक्टर आई है और यहाँ यूनिट वेक्टर ये जो है ये जे है कैप जे। हम यूनिट वेक्टर को इधर ही इसमें जो है ये इस कैप से इसको हम शो करते हैं, इसको ये यहाँ से इसका जो डिस्टेंस ये एक्स है और ये डिस्टेंस ये वाई है और ये इसका जो पोजीशन है वो आर है। तो इसका जो घटक है इसमें परस्पर लंब दिशा में जो घटक होंगे इसका द्विमी सदिश के यानी टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन में होगा ये होगा यहाँ पास आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। और यदि थ्री डायरेक्शन में बात करें तो थ्री डायरेक्शन में इसको हम बना सकते हैं यहाँ ये एक्स रहेगा, ये वाई रहेगा, ये जेड रहेगा। और यहाँ इसको बना सकते हैं ये वाला यहाँ जो रहेगा इसका ये x रहेगा, यहाँ डिस्टेंस की रहेगी x रहेगा,
और ये यहाँ इसका रहेगा वाई, ये वाई रहेगी जेड एस की, ये पोजीशन रहेगा यहाँ, और ये जो है पी, एक पॉइंट यहाँ पी रहेगा, ये इसके जो पोजीशन ये आर रहेगा ये, और इसका जो यहाँ यूनिट वेक्टर रहेगा वो आई कैप रहेगा, यहाँ रहेगा जे कैप, और यहाँ रहेगी के कैप रहेगा। तो इसका हम लिख सकते हैं इन थ्री डायरेक्शन में हो जाएगी ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। तो इस प्रकार से ये होगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन टू और थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में इसकी पोजीशन होगा ये। अब हम पर इस पर आधार कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि हमने लिया है 12C एक्सरसाइज सिविलाल बुक का 12C एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पास, इसमें दिया है यदि ओ मूल बिंदु ओरिजिन है तथा पी के निर्देशांक थ्री माइनस फोर हो तो सदिश ओपी को एकांक सदिशों आई तथा जे कैप के पदों में व्यक्त करो, दो में तथा ओ पी यानी मॉडुलस इसका भी ज्ञात करो। इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पास हम एक्स वाई जो इसकी पोजीशन है एक्स वाई इक्वल टू ये थ्री माइनस फोर है, तो हम इसको ओपी के फॉर्म में लिखेंगे, इसको आई जेड के पदों में दो हो जाएगा थ्री माइनस फोर इक्वल टू थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप, और इसका मॉडुलस फाइंड कर लेंगे। इसको तो या केवल लाइन इसके ऊपर खींच दें या तो तीर के निशान बनाएं, दोनों का मतलब एक ही कि वो सदिश यानी वेक्टर को शो कर रहे हैं। ये हो जाएगा थ्री का स्क्वायर फोर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 यानी हो जाएगा यहाँ पास ये 5 हो जाएगा। इसी में सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बिंदुओं P और Q के निर्देशांक निम्नानुसार हैं इसका जो ये A नंबर है दूसरे का ये P -63 और Q का है -2 -5। प्रत्येक स्थिति में सदिश PQ को एकांक सदिशों आई कैप तथा जे कैप यानी एकांक सदिश आई और जे के पदों में व्यक्त करो, तथा पी क्यू का मॉडुलस की गणना करो। इसको हल करेंगे
यहाँ देख रहे हैं पी का स्थिति सदिश यानी पोजिशन वेक्टर, ये दिया यहाँ पास पी, इसको स्मॉल पी करेंगे, माइनस सिक्स आई कैप प्लस थ्री जे कैप, और यहाँ जाएगा क्यू का पोजिशन वेक्टर, ये यहाँ हो जाएगा क्यू वेक्टर क्यू स्क्वल टू माइनस टू आई कैप माइनस फाइव जे कैप। तो पी क्यू इसको निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा पी क्यू का मतलब है यहाँ पास पहले क्यू का पोजीशन वेक्टर, माइनस पी का पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ लिखेंगे माइनस टू आई माइनस फाइव जे माइनस सिक्स आई के प्लस थ्री जे कैप। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उसका जो चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस टू आई कैप माइनस फाइव जे माइनस सिक्स आई माइनस थ्री जे, तो माइनस टू आई माइनस सिक्स तो माइनस एट आई हो जाएगा, और माइनस फाइव और थ्री तो माइनस एट जे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये माइनस दिया हुआ तो ये भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगी संख्या, यहाँ पास ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस ही रहेगा। तो ये जो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सिक्स टू को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी अपने पास, ये फोर प्लस फोर आई हो जाएगी, इसको ऐसा लिखेंगे फोर आई और ये हो जाएगा माइनस एट जे। अब इसका हमको मॉडुलस फाइंड करना है, ये हो जाएगा फोर का स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी सिक्सटीन प्लस सिक्सटी फोर यानी हो जाएगा एट्टी, और इसको लिख सकते हैं फोर रूट फाइव, तो हो जाएगा इसका पी क्यू का मॉडुलस हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने देखा कि वेक्टर क्या होता है और उस पर आधारित हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। तो यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसके बाकी क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।